स्वागत है गाइज आज की नई वीडियो में। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक वॉच करना, ज़रा भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइज मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूं। तो गाइज अब मैं आपको न्यूज़ बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना गाइज। तो न्यूज़ ये है कि एक आध हफ्ता हो गया है कि गुरु रंधावा को और रफ्तार को जो है नेहा कक्कड़ ने अनफॉलो कर दिया था, और गुरु रंधावा ने भी उनको अनफॉलो कर दिया था। तो बीच में क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो मैं एक बात सामने आई है, नेहा कक्कड़ ने खुद बोला है कि मैं जो हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अब फॉलो करूँगी, इस टाइम पे उन्हीं लोगों को फॉलो करूँगी जो मेरे करीबी है। मतलब जैसे कि नेहा कक्कड़ के साथ काफ़ी सॉन्ग्स करे हुए है, जो उनके भाई है, रिश्तेदार है, जो मतलब और सेलिब्रिटी उनके करीब है, पर्सनल वगैरह, उनको ये फॉलो करने वाली है, ऐसा नेहा कक्कड़ ने बोला है। बट गाइस मेरे एक बात समझ में नहीं आई है कि गुरु रंधावा ने तो उनके साथ चार सॉन्ग करे हुए हैं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 3-4 महीने पहले आया था और प्यार करना है, 2 मिक्सटेप करी है, फिर मोरनी बन के, ये 4 सॉन्ग करे हैं, फिर भी जो है नेहा कक्कड़ ने गुरु को अनफॉलो कर दिया, ऐसा क्यों है ये तो पता नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रफ्तार को क्यों अनफॉलो किया, तो गाइस इसके पीछे भी यही मकसद हो सकता है कि पर्सनल नहीं है, मतलब कि उनके ज़्यादा करीबी नहीं है रफ्तार, तो नेहा कक्कड़ ने उनको अनफॉलो कर दिया है। तो गाइस ये थी आज की न्यूज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।